जब कभी भी ये जेजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे उसमें बहुत जोर शोर से इस बात को उठाते थे। अब इनको इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमें कानून बनाना नहीं आता। हमें अगर कानून बनाया जाता सही ढंग से तो फिर कानून लागू हो जाता। कानून बनाने में जो त्रुटियां रखी गई है, जो कमियां और खामियां रखी गई है, वो 100% इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर के रखी गई है। उनसे इसके एवज में पैसा लिया गया। दीपेंद्र हुड्डा से पूछने वाला हो, तेरे बाप ने भी एक कानून बनाया था, मुख्यमंत्री होते। हरियाणा में 5 जातियों को आरक्षण दिया था। लगातार पिछले 4 वर्ष से 75% आरक्षण की बात कही जा रही थी। और जब कभी भी ये जेजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे उसमें बहुत जोर शोर से इस बात को उठाते थे। जहाँ कहीं भी इन्होंने अपने छोटी मोटी चुनावी जनसभाएँ करी या वैसे जनसभा करी, वहाँ भी यही कहा कि हमने 75% युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए कानून बना दिया। वो कानून जो बनाया गया था, कल हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। और हाई कोर्ट ने जो उसमें रद्द किया है, जो लिखा है, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी योग्य व्यक्ति को आप जो है उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी से रोक नहीं सकते। इसलिए हर आदमी का राइट है कि वो अपनी जॉब के लिए कहीं भी जा कर के अप्लाई करे, कहीं पे भी अपनी नौकरी कर सके पूरे देश के अंदर। जहां उसको रद्द कर दिया, इन्होंने युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। युवाओं को रोजाना नए समझभाग दिखा करके उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। अब इनको इस बात के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमें कानून बनाना नहीं आता। हमें अगर कानून बनाया जाता सही ढंग से तो फिर कानून लागू हो जाता। कानून बनाने में जो त्रुटियां रखी गई है, जो कमियां और खामियां रखी गई है, वो 100% इंडस्ट्रीज के साथ मिल करके रखी गई है। उनसे इसके एवज में पैसा लिया गया होगा। ये तो भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना था। इसमें तो केवल और केवल कैसे बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया जाए, कैसे इसकी एवज में पैसा इकट्ठा किया जाए इंडस्ट्री से। इसलिए इस किस्म के अधूरे कानून बनाए गए। दीपेंद्र हुड्डा का एक बयान आ रहा था, मैंने देखा था, बड़ी ज़ोर से कह रहा था कि इन्होंने कानून जो बनाया था वो गलत बनाया था। दीपेंद्र हुड्डा से पूछने वाला हो, तेरे बाप ने भी एक कानून बनाया था, मुख्यमंत्री रहते। हरियाणा में 5 जातियों को आरक्षण दिया था। केवल राजनीति करी थी वोट की। जो राजनीति इन्होंने वोट की है, इसी तरह की भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी करी थी, कांग्रेस ने भी करी थी। 5 जातियाँ थी जिसमें जाट था, जाट के साथ बिश्नोई था, जागी था और रोड था, एक और 5 थे। उस वक़्त भी इसी तरह का कानून बनाया गया था। आधा अधूरा कानून बना करके केवल कैसे लोगों का वोट लिया जाए, कैसे लोगों को गुमराह किया जाए, उसको बनाया। और वो कानून फिर हाई कोर्ट से रद्द हुआ, सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुआ। रद्द होने के बाद नतीजा ये हुआ कि दोबारा जब लोगों ने उसकी डिमांड करी तो इनके गलत फैसले की वजह से 32 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और जब वो 32 लोग जान गंवाई जिन लोगों ने, ये एक के घर भी नहीं जा पाए क्योंकि उसके उतने ही दोषी थे। कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे बीजेपी का कोई सहयोगी है, ये केवल वोट की राजनीति करना जानते हैं। इन्होंने आज तक कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिसकी वजह से आम आदमी को कोई राहत मिली हो, आम आदमी को कोई उसका फ़ायदा मिला हो। आज भी युवाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ है। इसके लिए जहाँ इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, जहाँ इनको शर्मिंदा होना चाहिए, मुझे लगता नहीं ये कहेंगे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी फिर वही फैसला आएगा, फिर इनकी तसल्ली होगी अच्छी तरह से। आप आश्वस्त हैं सर सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि तो कोर्ट का मैटर है? आप किसका आधार, आपके पास क्या स्टडी है इसको? जब कानून बनाने में कमियां और खामियां रखी जाती है तो फिर मान के चलो, सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें कुछ होता है तो हाई कोर्ट को वापस नहीं भेजते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।